आप लोग देख लीजिए। अब बहुत मुझे खुशी मिली। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? ऐसा करते हैं आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज आप लोग को पता है मैं क्यों इतना खुश हूँ? आज बहुत कुछ मिला है। वो क्या चीज मिला है आप सभी को वीडियो को देखने को मिलेगा। ये पूरा है 2 साल का मेहनत जो है, 2 साल का हमारा मेहनत का चीज मिल चुका है। और क्या मिला है आप लोग सब लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, तब देखने को मिलेगा। ये सब मिला है केवल आप सभी के लिए, दुआ प्यार आशीर्वाद के लिए, बात करने के लिए। और इतना खुशी मुझे मिली, इतना खुशी मिली कि मैं आप लोग से बता देती हूँ। मैं कंपनी में काम करती थी, मुझे 9,000 रुपए मिलता था, ठीक है। तो मैं कंपनी में भी काम करती थी, यूट्यूब पर भी वीडियो भी बनाती थी, दोनों काम करती थी। तो करते करते तो जब मैं मतलब गांव में आने का मुझे मतलब मिला कि अब नहीं आना है, मतलब मैं 3-4 साल 5 साल तक मैं कंपनी में काम की थी। तो उसके बाद तब मैं वीडियो भी बनाती थी, काम भी करती थी। वीडियो तो 2 साल से मैं बना रही हूँ। तो उसके बाद मुझे गांव एक बैग बच्चे के लिए आना पड़ा पढ़ाई के लिए, क्योंकि वहाँ पढ़ाई बहुत ज़्यादा महंगाई थी। हम उतना हम लोग कमा नहीं पा रहे थे और भाड़ा रूम का बहुत ज़्यादा था, 5,000-6,000 रुपये भाड़ा था, एडवांस 10,000 रुपये था। तो हम लोग मतलब थोड़ा दिक्कत में, बहुत परेशानी थी, वहाँ झेल रहे थे। तो बच्चे का पढ़ाई बहुत वहाँ महंगा था, तो हम लोग नहीं पढ़ा पाए। तो हम बोले ठीक है चलो गाँव चलते हैं और गाँव में पढ़ाएंगे और क्या करेंगे गवर्नमेंट में। तो ये मतलब ये भी 8,000-9,000 कमाते थे, हम भी उतना ही कमाते थे। तो मतलब रूम भाड़ा वाड़ा समझ सकते हैं। पानी भी खरीद के पीती थी वहाँ, पानी जो कपड़ा भी धोती थी वो भी खरीद के ही मतलब धोती थी कपड़ा, उसका बिल आता था। सर्फ भी खरीदते थे सब। तो दोस्तों सब कुछ मैंने अपना बता दिया। उसके बाद वीडियो जब मैं वीडियो बनाती थी तब थोड़ा काम करना थोड़ा मैं कम कर दी थी। तो 3-4 घंटा वाला मैं काम खोज ली थी। 2-3 घंटा यूट्यूब पे काम करती थी, 2-3 घंटा जाके दूसरे के घर में काम करती थी मैं। इतना दोस्तों मैं क्या बताऊं, मैं आप खुल के नहीं बता सकती हूँ क्या करती थी मैं, कितना प्रॉब्लम। तो कितना प्रॉब्लम में मैं जाके दूसरे का घर में मैं काम करती थी, दूसरे कंपनी में काम करती थी। मैं बहुत झेली हूँ, बहुत कुछ की हूँ, लेकिन अगर जो हम बोलेंगे तो हमको बहुत शर्मिंदगी होगा। आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी, इतना ज़्यादा खुशी है कि मुझे सच में बता दूँ मैं आँखी से आंसू आ जाता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये आप सभी का चरण छुके प्रणाम करती हूँ। सब लोग इतना दुलार प्यार दिया, आप सभी का दुआ से आशीर्वाद से जो कि हमारा 4-4 Google Pin आ चुका है, आप लोग देख लीजिए। अब बहुत मुझे खुशी मिली, इतना खुशी मिली कि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। दोस्तों बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद और चरण छुके प्रणाम करती हूँ। अगले महीने से जो है हम लोगों का खर्चा वर्चा भी आएगा, चारों है दिखा दीजिए। हाँ, छोटा छोटा चैनल है जो कि एक चैनल बड़ा है और दो तीन चैनल छोटा छोटा है, आपको पता है। सभी का आ गया है, तो सभी का आ गया दोस्तों। तो बहुत बहुत वो भी एक महीना के नहीं 15 दिन के अंदर सभी आ गया। हाँ, तो दोस्तों मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिली, लेकिन नहीं बनाती थी मैं वीडियो। मैं सोचा की ठीक है सभी का आ जाएगा तो मैं एक ब्लॉग वीडियो बनाऊंगी। तो दोस्तों मुझे बहुत खुशी, इतना खुश हूँ कि पूछिए मत। मैं एक दिन था जो कि मैं दूसरे का घर में दूसरे का कंपनी में काम करती थी। तो दूसरे का जब जैसे खाना कुकिंग का बनाना होता था तो मैं बनाती थी, तो 3,000-2,000 रुपये मिलता था। तो मुझे मैं बहुत सांसद झेली हूँ, 2 बच्चे का कुंडी लगा के अंदर बंद बंद करके मैं काम बच्चे को बंद करके हम लोग जो है, और यहाँ तक कि अंदर में लैटरिंग नहीं था, झिल्ली में झिल्ली देती थी मैं बच्चों को लैटरिंग करने के लिए। पता है आप लोग को इतना दुख झेली हूँ मैं। तो प्लीज दोस्तों आप लोग ऐसा ही हमको सपोर्ट करते रहिए और दुलार प्यार आशीर्वाद देते रहिए। और मैं आज सब आप सभी को दुआ से आशीर्वाद से मैं इस मुकाम पर पहुंची हूं। और आप लोग ऐसे भरोसा हमारे ऊपर बनाए रखिए, क्योंकि मैं हर बार वीडियो में बोलती हूं दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा गरीब घर से बिलोंग करती हूं, आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए। और प्लीज आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करती हूं, आप भी कुछ बोल दीजिए। तो हम क्या बोलेंगे आपके आगे, तो हम कुछ क्या बोलेंगे। इनकी बहुत बहुत मेहनत है, हम बहुत इनको मना करते थे वीडियो बनाने के लिए, छुप छुप के बना रही थी वीडियो। और चैनल में कैसे बनवाई थी पता है आप लोग को, ये चले जाते थे काम पे तो मैं उनके पास उनके ए भैया थोड़ा चैनल बना, कोई बनाने के लिए नहीं आता था किसी को बनाने के लिए, नहीं तो और ज्यादा दिन से काम करती।
लेकिन फिर ऐसे हुआ तो किसी ने बना दिया चैनल, तो फिर करने तो लगी। मैंने मतलब चैनल सही नहीं बना था, तो मैंने ऐसे ही वीडियो डालती थी। तो बाद में जब गांव में आई हूँ तो कोई मतलब चैनल हमारा ठीक किया, उसके बाद करते करते तब हमको पता चला, कुछ मतलब सीख मिली। तो ऐसे मतलब एक आदमी और था जो मुझे बाद में धोखा दे दिया था दोस्तों, मतलब आधे रास्ते में धोखा दे के भाग गया था हमको चैनल के बारे में, छोड़ के भाग गया था। तो हमने मतलब दूसरे से दिखवाया, तो मतलब वो अच्छे थे बेचारा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया बोलती हूँ, धन्यवाद है उनका। और बहुत अच्छे थे, जो कि कुछ भी होता है तो मैं बताते हैं वो, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका, क्योंकि दोस्तों हम लोग पता है पढ़े लिखे नहीं है उतना, तो वो बहुत हम लोगों का सपोर्ट करते हैं और जैसे ही बुलाते हैं तुरंत चले आते हैं, जो भी कुछ दिक्कत होता है तो हेल्प करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं दोस्तों। तो प्लीज आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, तो आप लोग हमारा डेली लॉन्ग वीडियो डालती हूँ दोस्तों, प्लीज देखिए प्लीज, क्योंकि हमारे दो बच्चे हैं और हमारे केवल खर्चा, अब मतलब इतना दिन मैं कैसे खाई हूँ, आप लोग को पता है कि यूट्यूब से पैसा अभी ये 15 दिन हुआ आके, आप लोग को पता हो ये सभी 12-13 दिन के अंदर आया है सभी चारों का। देखिए ये है 2-3-4, तो पता है आप लोग को पता होगा कि मिलियन सब्सक्राइबर हो गए होंगे तो बहुत ज्यादा पैसा कमाती हैं, तो मैं पैसा ऐसा नहीं कमाती अभी हूं। नहीं, अब आना स्टार्ट हुआ है, अगले महीने से आना स्टार्ट है। आप सभी से मैं सही बता रही हूँ, आप लोग जो भी बोलिए, नहीं नहीं हम लोग फ्रॉड काम नहीं करते हैं अपने चैनल में, सभी सही बोलते हैं। दूसरी बात ये, कोई लोग कमेंट करते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे तुम्हारा पैसा आया, तो मैं बोलती हूँ नहीं आया, तो क्या बोलते हैं लोग पता है, अरे तुम इतना सब्सक्राइबर हो गए लेकिन पैसा क्यों नहीं आ रहा है, तुम झूठ बोल रही हो। क्या करूं भाई, झूठ बोल, वो अगर झूठ बोल दूंगी तो सही है, संतोष मिल जाएगा। मंडराई जब भी हुआ 1 महीना हो गया, तो इसीलिए आप सभी का आशीर्वाद है, दुआ है कि मेरा हो गया है चैनल, सभी मोनोटाइज हो गया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा आभार है आप सभी का। तो प्लीज़ दोस्तों ऐसे ही डेली हमारा लॉन्ग वीडियो देखा करिए, लॉन्ग शॉर्ट, जाकि हम अपने बच्चों को भविष्य बना सकें और पढ़ा लिखा सकें और हम लोग अच्छे से खा पी सकें, क्योंकि यही अब हमारा हाथ गोड़ पैर है, यही चलने का एक रास्ता है, और कोई हमारा रास्ता नहीं है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है। तो ठीक है, हम एक करते हैं ब्लॉग समाप्त। नमस्कार, और छोटा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा प्लीज, आप लोग अच्छा सा कमेंट करिएगा प्लीज, आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।